हैं जल्दी से, ग्राउंड पर हलचल तेज हो रही है। दीपक रावत का रुख करते हैं, क्या बैठक शुरू हो गई है दीपक? और रुमाना बैठक तो अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि लगातार विधायक आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को मिली है, वो ये है कि जब कल पीएसी की बैठक हुई यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उसमें जो तमाम सदस्य पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने आतिशी के नाम को आगे रखा है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि आतिशी लगातार तमाम विभागों को संभाल रही है, दर्जन भर से ज्यादा विभाग हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। जब वो सरकार में नहीं थी तब भी मनीष सिसोदिया के साथ कई विभागों में एक एडवाइजर के तौर पर काम कर रही थी, उन्हें अनुभव है और 3-4 महीने जो बचे हैं उसमें वो बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएसी के सदस्यों ने ये कह दिया अरविंद केजरीवाल को कि आतिशी से बेहतर विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पर सारा अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि वो आतिशी को करते हैं या किसी दूसरे नाम को आगे ले आते हैं। लेकिन पीएसी मेंबर्स का यह मानना जरूर है, जिसमें से ज्यादातर मेंबर्स का मानना है कि आतिशी को ही होना चाहिए दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते किसी के सामने नहीं खोले हैं। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे और उसके बाद 12 बजे औपचारिक तौर पर घोषणा मीडिया के सामने भी की जाएगी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी दीपक रावत, पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की, जिसकी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक होती है। इस पीएसी की बैठक में ज्यादातर नेताओं ने आतिशी के नाम को ही आगे बढ़ाया। आप जानते हैं पीएसी के सदस्य जिनके साथ कल अरविंद केजरीवाल ने वन ऑन वन मीटिंग की, एक एक करके सबसे अलग अलग बातचीत की और ज्यादातर सदस्यों की तरफ से नया मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का, आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाया गया। और एबीपी न्यूज आपका चैनल भी आपको लगातार बता रहा है कि इस तरीके से सीएम पद की रेस में आतिशी सबसे आगे लगातार बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मधिया भी हमारे साथ बनी हुई है, जानते हैं मधिया से उन्हीं क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अब सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास। मधिया, बिल्कुल, सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि जो विधायक दल की बैठक थी सुबह 11 बजे शुरू होनी थी लेकिन कुछ देरी हो चुकी है, वो इस वजह से क्योंकि विधायक अभी भी पहुंच रहे हैं, कुछ विधायक अभी अंदर गए हैं, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब विधायकों से बातचीत की कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या वो भी कोई और नाम जो है वो उसका सजेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री के सामने, या फिर कुछ उन्हें बताया गया कुछ और जानकारी, तो सभी के चेहरे पर एक ये समझ लीजिए संतुष्टि थी, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने जो कल पीएससी की बैठक में फैसला किया होगा या जो नाम उन्होंने आगे रखे होंगे शायद वो बेहतर नाम होंगे। इसीलिए अंकित गुप्ता, नाम पर सहमति बन चुकी है। जो अभी जानकारी दे रहे हैं दीपक रावत की पीएससी की बैठक, एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग पीएससी के सभी सदस्यों से बातचीत की और ज्यादातर ने आतिशी के नाम को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर जो भी नाम आज सामने आएगा उस पर कल सहमति बन चुकी है पीएसी की बैठक में, आज सिर्फ उस पर मोहर लगना बाकी। अंकित, बिल्कुल रुमाना, और इस बात की जानकारी हम लोग लगातार जो सुबह से ही अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि देखिए भले ही विधायक दल की बैठक हो रही हो लेकिन क्योंकि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है इस वजह से वो की जा रही है। लेकिन अगर हम नाम पे बात करते हैं तो नाम जो है वैसे तो कल तीन लोगों की पहली जो बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, उन तीन लोगों की बैठक के दौरान ही सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नामों पर जो चर्चा उसी समय हो गई थी लेकिन उस नाम को फिर बाकी जो है पीएसी के सदस्यों के सामने ले जाया गया। और वहां पर भी दिलचस्प क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके नेताओं से अपने सांसदों, विधायकों, तमाम जो है लोगों से बातचीत की और वहां पर जो है एक तरह से यह सहमति बना दी गई या यह कह दिया गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि यह नाम है जिसको लेकर के हम लोगों ने विचार किया है, आपका क्या कहना है। और हम समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अरविंद केजरीवाल हो या और एक दो बड़े नेता जिनकी बात जो है शायद ही कोई नकार सकता हो, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से जो एक दो नामों का जिक्र किया गया जिसमें आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है उस पर अधिकतर जो पीएसी के सदस्य थे। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर दीपक।
बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक शुरू हो गई रोमाना। जैसा मैंने बताया था कि तमाम विधायक मंत्री पहुंच चुके हैं और अभी ये खबर आ रही है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और करीबन 15-20 मिनट का वक्त होगा जिसमें ये बैठक चलेगी, जिसमें नाम बताया जाएगा, जिस नाम पर मुहर लगी है पीएसी के मेंबर्स की मीटिंग में उस नाम को आगे रख दिया जाएगा। और उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है कि अगर कैबिनेट में दो नाम और आगे करने हैं तो उन दो नाम कौन हो सकते हैं। इस चर्चा के बाद ठीक 12 बजे ऐलान होगा, यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें ऐलान किया जाएगा। हो सकता है कि केजरीवाल बाहर आए और उस नाम का ऐलान करें कि आखिर अगले 4-5 महीने का जो वक्त बचा है उसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब तक की बड़ी खबर ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक जिस पर सबकी नजरें थी वो बैठक शुरू हो चुकी है। रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के इस समय मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर और यहां विधायक दल की बैठक शुरू। अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की ये वो बैठक हो रही है जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी और फिर अब से चंद मिनट का इंतजार बाकी, दोपहर 12 बजे तक बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम का। और इस रेस में सबसे आगे एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।